इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में रहने वाली एक शिक्षिका द्वारा चैन लूट के मामले में लसूड़िया थाने पर प्रकरण दर्ज कराया गया था। पूरे मामले में पुलिस द्वारा 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाश लूटपाट करने के बाद अन्य साथियों के साथ मिलकर चैन के टुकड़े कर बांट ली करते थे। फिलहाल दो बदमाशों को पकड़ा गया है और एक फरार चल रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। दरअसल डीसीपी अभिषेक आनंद द्वारा बताया गया है कि शासकीय स्कूल की शिक्षिका द्वारा लसूड़िया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वह स्कूल से छूटने के बाद अपने घर की ओर जा रही थी, तभी बाइक पर सवार बदमाशों द्वारा उसके सोने की चेन लूटकर फरार हो गए थे। पूरे मामले में लसूड़िया पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की और 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद रूपेश जोशी और कुलदीप कर्णावत नामक दो बदमाश को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ में बताया जा रहा है कि अन्य वारदातों में भी बदमाश शामिल होने की संभावना है और भी कई लूट के खुलासे हो सकते हैं। पुलिस द्वारा बदमाशों से चैन के दो टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं। वहीं तीसरा आरोपी और तीसरा चैन का टुकड़ा, दोनों की तलाश पुलिस कर रही है। लसूड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत ये घटना घटी थी कुछ दिन पहले 27 अक्टूबर को, जिसपे एक महिला जो शिक्षिका थी उनके साथ स्कूटी पर जा रही थी, तो उनसे ये चेन स्नैचिंग की घटना कारित हुई थी, जिसपे 392 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था लसूड़िया थाने पर। इसी में से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जो देखा घटनास्थल का, और उसके बाद फिर जो बहुत बारीकी से जो है 500 से ज़्यादा गाड़ियों के जब सीसीटीवी फुटेज मिलान किया गया, तो उसमें एक जो है क्लू मिला पुलिस को, उस पर गाड़ी पे एक लोगो पुलिस को समझ में आया और उस पर एक नंबर डिजिट केवल दिखा। उसके बाद जो है जो थाना लसूड़िया के जो हमारी टीम थी, इन्होंने बहुत शानदार पूर्वक केवल उस क्लू के बेसिस पे इस पे आरोपी के मुखबिर सूचना के बेसिस पे आरोपी के बारे में पतारासी की, तो फाइनली प्राप्त हुआ कि आरोपी जो सिंगापुर फिनिक्स टाउनशिप के रहने वाले हैं। इनके बारे में जानकारी मिली कि लोहा मंडी में खाली मैदान में ये इकट्ठे हुए हैं, और उसके बाद फिर जो है पुलिस को जब जानकारी मिली तो पुलिस की टीम वहाँ पे पहुंची, उसके बाद फिर इनको गिरफ्तार किया गया। इसमें एक गाड़ी पे एक विशेष तरह का लोगो बना हुआ था, जिसको देखा गया पुलिस के द्वारा। इसमें जो और इसमें बाकी जो है आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में भी इनके जानकारी प्राप्त की गई, तो दो आरोपी हैं इसमें जो अभी पुलिस के हिरासत में लिए हैं, आरोपी कुलदीप कर्णावत और आरोपी रूपेश जोशी। ये इन दोनों के खिलाफ पूर्व में काफी रिकॉर्ड हैं, कुलदीप पे 12 के करीब रिकॉर्ड हैं, शहर के अलग अलग थानों में हत्या लूट सहित इनके खिलाफ रिकॉर्ड पंजीबद्ध। उसी तरह रूपेश जोशी है, उसके खिलाफ भी जो है लूट और अवैध हथियार रहने संबंधी जो अपराध पहले से पंजीबद्ध है। अभी कुछ दिन पहले ही रूपेश जोशी एक विजयनगर के एक लूट के प्रकरण में जेल से बाहर आया, और उसके बाद पुनः उसने इस तरह की घटना को कारित किया है। इसमें 500 से ऊपर जो है जो गाड़ियों के सीसीटीवी फुटेज देखे गए, इसमें पूरी कार्रवाई में एसीपी विजयनगर, उनके साथ जो है टीआई लसूड़िया तारे सोनी और उनकी टीम, सब इंस्पेक्टर राहुल डाबर, संजय बिश्नोई, अरुण मलिक, भूपेंद्र सिंह गुर्जर, नीरज रघुवंशी, योगेंद्र चौहान, नरेश चौहान, अजय प्रजापति, विक्रम सिंह, प्रणीत भदौरिया, आनंद जाट, धनराज वाघेला और आकाश, इनकी सराहनीय भूमिका थी। ये आरोपी जो है, इसमें एक जो आरोपी है कुलदीप कर्णावत, ये सब्जी वगैरह का ठेला जो है ये लगाता है, और दूसरा आरोपी जो है अभी कुछ दिन पहले ही विजयनगर के प्रकरण में इस तरह के आपराधिक गतिविधि में लिप्त रहता है, विजयनगर के प्रकरण में लूट में ये बाहर आया है। उद्देश्य क्या था इनका? ये नशे वगैरह के आदि हैं, और कहीं ना कहीं ये जो पूर्व से इनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, और ये एक आदतन अपराधी है। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स, और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।